महासचिव अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, लगातार दावेदारी ठोक रहे थे कि ये सीट तो निश्चित तौर पे इनेलो के खाते में आनी ही है। इनेलो और बसपा एक साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में है। प्रदीप जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, तो मैं वही बता रहा था कि जो सरकार को हटाने की वेव है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सरकारें बदलती हैं और बनती हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से इलाका वाइज बहुत सारे फैक्टर्स थे, चाहे वो पहलवानों का मसला हो, चाहे वो किसानों की नाराज़गी हो, या फिर मनोहर लाल की पूर्व सीएम की वर्किंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बन के इस चुनाव में आई है। और उसी फैक्टर के तहत जो हम रिज़ल्ट जो हमारे सामने धीरे धीरे अब स्पष्ट हो जाएंगे, और जिसका अनुमान भी लगाया जा रहा था कि बहुत जल्दी चीज़ें सामने आ जाएंगी, मेरा मानना है कि वो सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मिल के कांग्रेस को वापस लाने का काम किया 10 साल बाद, और अब बीजेपी की जो विदाई की बात की जा रही है वो फैक्टर्स हैं। कौन विदा होता है, कौन बना रहता है, इसके लिए तो अब कुछ घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। इस बीच जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, उनको बताते चले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। देखिए, एलनाबाद से INLT के जो अभय चौटाला, उनकी बढ़त की जानकारी है और वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें और भी बाकी सीट्स की, तो अगर हम यहाँ पर विनेश फोगाट की बात करें, जुलाना से वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, और अलग अलग सीट्स पर गढ़ी सांपला से, यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, हुड्डा जी की बढ़त बरकरार है, उनका इंतजार हो रहा है कि वो कब अपने घर से बाहर निकलेंगे। हमारी बड़ी टीम के घर से रिपोर्ट कर रही है, और गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और बहुत ही ज्यादा आशान्वित है हुड्डा साहब, कह रहे हैं देखिए ना मैं थका हूं, ना ही मैं सेवानिवृत्त, यानी ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, यानी कि मैं अभी बना रहूंगा, आगे अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखूंगा। इस बीच लगातार जो सी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको चाली दिखा रहा है 90 सीट्स, और जिसमें काउंटिंग का आगाज हो चुका है पोस्टल बैलेट से, और अटेली से बीजेपी प्रत्याशी आरती राव आगे बढ़ी हुई हैं। निश्चित रूप से पहली दफा हालांकि विधानसभा चुनाव में अपना ओपनिंग कर रही हैं आरती राय, और हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार का अनुभव बहुत ज्यादा है, लोकसभा में अपने पिता के लिए लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी, विधानसभा में अब अपनी किस्मत आजमा रही हैं आरती राव। और अब कुल मिला के ये देखिए ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है, पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये काउंटिंग जारी है। और खास मेहमान लगातार बने अजी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, शिवांगी और बाकी जो मेहमान उनका परिचय कराते हैं, रामराज शर्मा स्पोक्स पर्सन बीजेपी, बजेंद्र खोकर स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी, विनय यादव प्रवक्ता आपके हैं, विजेंद्र रेडू प्रवक्ता INLT की, रॉय तपन भारती हमारे साथ हैं उनका फिर से परिचय करवा रही है, और प्रदीप रूला हमारे साथ उनका फिर से परिचय करा रहे हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इस वक्त बीजेपी का रुख क्या है, बीजेपी क्या महसूस करे, रामराज शर्मा जी आप बहुत आशान्वित हैं और इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि इस बार फिर से सत्ता की चाबी आपके हाथ लगने वाली है, शुरुआती जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो कुछ और दर्शाती हुई, क्या कहिएगा? देखो हमारे को पूरा दिन बाकी है काउंटिंग के लिए, हमारे को आशीर्वाद देगी, हम आशावादी हैं और हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार सीएम बनेगी, अभी तो शुरुआती दौर है जी। ठीक है, शुरुआती दौर है और दिन भर में क्या नतीजे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा एग्जिट पोल भी आपके पक्ष में नहीं थे। मैं रामराज जी लौटूंगी, बजेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बजेंद्र जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब तो चलिए आगे चल रहे हैं, अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं हालांकि गढ़ी सांपला किलोई से, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एग्जिट पोल पे ही पूरी तरीके से कांग्रेस की खुशी निर्भर है, अभी चीजें बदल भी सकती है। बजेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो बजेंद्र खोकर हम लौटेंगे आपके पास, विनय यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, यादव साहब खुद को कहां पाते हैं हरियाणा के दंगल में आप? देखिए हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि 12 बजे तक जब तस्वीर साफ होगी, सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, अरविंद केजरीवाल, चलिए ये तो देखा जाएगा कि 12 बजे तक सत्ता की चाबी वाकई में होती है, कि किंग मेकर की भी भूमिका में आ पाती है कि नहीं आम आदमी पार्टी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी में सामने आ रही है, होडल से कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं उदय भान, और इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उदय भान अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है पलवल से, कांग्रेस के प्रत्याशी करण दलाल
आगे अपनी बढ़त को बनाए हुए। पलवल से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पल पल का अपडेट सटीक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाएगा। तो पलवल की जो सीट है कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त को उनके आगे बने रहने को दर्शा रही है। करण दलाल यहां से चुनावी मैदान में है और इस बीच अलग अलग सीट्स पर लगातार जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी तस्वीरें साफ होंगी और इस दंगल के दिग्गजों को लेकर भी जल्द तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल पलवल का ब्रेकिंग न्यूज है कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त को लेकर। चलिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं विजेंद्र साहब इनेलो से बने हुए हैं। विजेंद्र जी इलाहाबाद से अभय जी तो आगे चल रहे हैं चौटाला साहब, लेकिन कहीं 2019 जैसा ही परिणाम तो नहीं रह जाएगा, इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रह जाएगी इनेलो बसपा? नहीं, शिवांगी जी कहाँ रहेगा, देखिए 2019 में जो हमारे को एक सीट मिली थी और हमारा जो बहुत परसेंटेज था वो भी लगभग 2.5% था, 2.44%। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निश्चित तौर पर इसमें हम बहुत कुछ पा रहे हैं, बहुत कुछ आशीर्वाद जनता का हमारे को मिलने जा रहा है। अब कांग्रेस वालों ने तो हमारे अभय सिंह चौटाला को भी पीछे दिखा रखा था और अभी देखो शुरुआती रुझान में ही अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। लेकिन शिवांगी जी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, देखिए जैसे जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया है अब तो उसे पर्दा उठना बाकी है, आशीर्वाद दे चुकी है जनता, तो एक तो मैं कहूंगा जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया हम उसको स्वीकार करेंगे और प्रत्येक प्रदेश निवासी को उसको सहर्षता के साथ स्वीकार करना चाहिए, शांति बनाए रखे, हाफों पर ध्यान ना दे। और हम जहां तक हमारी बात है, अभी आपने दिखा रहे थे कि आप भूपेंद्र हुड्डा के कैंपस का एक सीन आप दिखा रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और वहां के उनके वर्कर कह रहे थे कि अभी तो हुड्डा साहब खुद ही जवान है, आपके सहयोगी ने उनसे पूछा कि क्या कोई जवान का भी नंबर लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हुड्डा साहब खुद ही जवान है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कहीं ये काल्पनिक जवानी ढल ना जाए और परिणाम आते ही बूढ़ा बूढ़ा ही ना रह जाए, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए इस तो पर जवाब देने के लिए खोखर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के खोखर साहब। हुड्डा जी जो अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं उसको लेकर तमाम तरह की मैं कह सकती हूँ कि लोग चुटकी भी ले रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं, खैर उसको अलग रखते हैं, आप अति आत्मविश्वास से आप भी लबरेज कम नजर नहीं आ रहे हैं? अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपका सूखा बिटने जा रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अभी तो 8:30 भी नहीं बजे हैं सुबह के। देखिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि तेल देखो और तेल की धार देखो, ये अभी 2 घंटे के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहन शैलजा कुमारी जी, हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी उसी समय हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर शुरू हो चुकी थी और वहीं से बदलाव शुरू हो चुका था। उसी के डर से बीजेपी ने अपने सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाने का काम किया था, उनको पता चल चुका था हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी के सीएम से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। कहीं पोर्टल, कहीं सीएम के बयान देखने को मिले कि मैं गर्दन काट दूंगा, कभी कह रहे हैं भाई अपनी फौज तैयार कर लो। चलिए खोखर साहब मैं लौटूंगी, रोहित अपन भारती, 67.90% का जो पोलिंग टर्नआउट था सिंगल फेज पोलिंग में हरियाणा में इलेक्शंस हुए हैं, ये क्या दर्शा रहा था? क्योंकि देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उनके दावे करना, उनके वादे करना, उनका अति आत्मविश्वास से लबरेज होना वो दरकिनार करते हैं, इस पोलिंग टर्नआउट के आज क्या हम देख सकते हैं नतीजों में रिफ्लेक्शन, बताइए। देखिए एक तो 10 साल की सरकार हो गई थी, नाराजगी थी, गुस्सा था, सब कुछ था, इसमें ये मुझे लगता है बीजेपी को भी अंदाज़ा हो गया था कि उनके हाथ से ये सरकार फिसल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उतने दौरे नहीं किए जिस तरह के दौरे पिछली बार के चुनाव में किया था इन्होंने। अब ये तो मैं दो कदम आगे बढ़ के बोलूँगा कि ये कांग्रेस का सरकार बनना तय लग रहा है, अब हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि 20 साल पहले भी यही कांग्रेस के अंदर था। मैं लौटूंगी, एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तोशाम से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं और किरण चौधरी के छोड़ने के बाद में ये सीट खाली हुई थी, पारिवारिक सीट मानी जाती है। तोशाम से बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया और अब शुरुआती रुझान में श्रुति चौधरी इस सीट से आगे चल रही है।
रोहित अपन भारती जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आगे जो दिल्ली का चुनाव होना है, महाराष्ट्र होना है, झारखंड होना है, इन पर भी असर पड़ने की संभावना दिख रही है। इसी कारण कांग्रेस ने भी कमर कस रखी थी और बीजेपी ने भी। बीजेपी को अंदाजा इसलिए हो गया था कि भाई सर्वे रिपोर्ट उनके पास थी, बहुत सारी एजेंसियों से वो जांच कराते हैं, तो प्रधानमंत्री ने दौरे इतने कम किए उससे एक आशंका को बल मिला कि शायद उन्हें अंदाजा लग गया था और इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। बिल्कुल, प्रदीप नरूला जी आपका कितना इत्तेफाक है रोहित अपन भारती जी की बात से? नहीं, बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह की नाराजगी लोगों में थी, काफी वर्गों में नाराजगी थी, पहलवानों का मसला है, किसानों का मसला है, एक जो मनोहरलाल खट्टर मुसलमान कभी भी बीजेपी के साथ नहीं था, उसकी नाराजगी और नाराजगी का ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा होता। और जहाँ तक सवाल है कि एक बहुत बड़ी फैक्टर है, क्योंकि जो पूर्व सीएम रहे मनोहरलाल खट्टर, उन्होंने जो डिजिटाइज करने की कोशिश की सारे डिपार्टमेंट्स को, उससे एक बहुत बड़ी नाराज़गी, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए था, उसके सक्सेस के बाद इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उन्होंने जो डायरेक्ट लेकिन प्रदीप जी इस नाराजगी के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज को अगर हम खास तौर पे देखें तो ये वोटिंग परसेंटेज क्या ये आंकड़ा दर्शा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ ही जाएगी, जितना तपन भारती जी भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस की ही सरकार आनी है, आप सीएम फेस पे चर्चा करें, या फिर अभी भी हंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना? मेरे ख्याल से कोई ऐसा हंग वो विधानसभा नहीं बनने के आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि काफ़ी समय से जिन पे चर्चाएं थी और जो ग्राउंड रियलिटी भी थी कि लग रहा था कि लोगों ने मन बना लिया कि बीजेपी को अब शायद मौका ना मिले, लेकिन खैर कुछ भी, अभी तो काउंट बैलेट की गिनती है और बैलेट की गिनती पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से माहौल ग्राउंड पे था तो उसमें साफ लग रहा था कि लोगों की अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से नाराजगी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वेव आई हो, आंधी आई हो कि कांग्रेस को लाना ही है, लोग बीजेपी से नाराज थे, अलग अलग विषय थे उनके, अलग अलग एरिया वाइज विषय थे और विकल्प के तौर पर कांग्रेस थी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। रामराज जी लगातार बने हुए हैं। रामराज जी, नायब सिंह सैनी साहब कह रहे थे कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आती है तो हमारे पास विकल्प भी है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो विकल्प भी इस्तेमाल करने लायक बीजेपी नहीं बचेगी? देखो ये तो जी 12 बजे के बाद पता चलेगा, अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी तो काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा, रिजल्ट आएगा किसके पक्ष में कितने, मैं समझता हूँ जनता ने किसको कितना आशीर्वाद दिया है, उसके बाद ही कह सकते हैं, अभी तो कहना मैं समझता हूँ समय से पहले कहना ठीक नहीं रहेगा, तो तब पता चलेगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, जनता किसको कितना आशीर्वाद देती है, हमारे को भी ऐसा लग रहा है कि भाई जनता हमारे को आशीर्वाद देगी, अभी हम आशावादी हैं जी। बिल्कुल, फिलहाल हम फिर से लौट रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज पर। देखिए अलग अलग सीट्स को लेकर जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, खास मेहमान बने लगातार इस बीच कड़ी सांपला से ब्रेकिंग न्यूज है और अलग अलग सीट्स को लेकर जो जानकारी है उसमें अगर लाडवा की बात करें, सीएम साहब की बढ़त यहां पर बनी हुई है, लाडवा जो कि नायब सिंह सैनी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ एक हॉट सीट में शुमार हो गई थी, जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट की बढ़त बरकरार है, बहुत ही शुरुआती डिटेल्स हैं ये, अभी पोस्टल बैलेट से काउंटिंग चल रही है। और सिरसा से गोपाल कांडा आगे बने हुए हैं, सिरसा से जानकारी। इसके अलावा अलग अलग सीट्स को लेकर जो जो अपडेट आएगा, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आप तक पहुंचाएगा, डबवाली से एनएलडी की जो आदित्य चौटाला हैं वो आगे अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। और इस बीच अगली सीट का भी रुख करें, इलाहाबाद INLG के अभय चौटाला आगे बने हुए हैं। देखिए ये लगातार सामने आ रही है जानकारी जहां पर कई चौंकाने वाली भी स्थिति नजर आ रही है। डब्बाली की ही बात करें, आदित्य चौटाला आगे चल रहे हैं, अपने दादा रणजीत चौटाला को पीछे पछाड़े हुए हैं, हालांकि कितनी सिचुएशन बदलती है ये तो अब आने वाले समय में हम देखेंगे। विजेंद्र जी लगातार बने हुए हैं, विजेंद्र जी यही तस्वीर लगातार बनी रहेगी चौटाला परिवार में ही आदित्य चौटाला पोता जो है दादा से आगे निकल जाएगा, या फिर अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति? नहीं नहीं, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, जिस प्रकार से रानिया का, डबवाली का, इलाहाबाद का आप ये परिणाम दिखा रहे हो, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, निश्चित तौर पर ये सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और आदित्य चौटाला को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित करने का काम किया था
उस प्रताड़ना के पीछे भी लोगों में एक भावना बनी है। उन्होंने कहा कि भाई ये कितना ईमानदार आदमी है, इतनी मेहनत से इन्होंने काम किया है और फिर उस पर उसको काटने का काम किया गया, तो उसका भी परिणाम। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता जो अभय सिंह चौटाला ने दिन रात लोगों के बीच में जाकर के मेहनत करने का काम किया, उसका परिणाम स्वरूप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और देखिए शिवांगी विजेंद्र साहब, सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं, इनेलो के लिए अच्छी बात की पूरी नहीं अच्छी बात है।